हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? आई होप आप सब स्वस्थ हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये है आम के टॉक, जिसे हम लोग बोलते हैं कि आम है टॉक। ये एक पतला सा करी टाइप रहता है, सूप जैसा, तो बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड, इसको बनाने के लिए क्या चाहिए देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए सिंपल सी चीज़ें चाहिए, आम चाहिए हमें। बेसिक सा आम ले लिया है मैंने यहाँ पे, इसके लंबे लंबे स्लाइसेस में ऐसे करके मैंने काट लिया है। और इसको बनाने के लिए हमें सरसों के दाने चाहिए, मतलब राई चाहिए। और इसको बनाने के लिए हमें स्वाद अनुसार नमक और हल्दी चाहिए और थोड़ा सा सरसों का तेल चाहिए। इसको बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये बहुत जल्दी और बहुत ही कम चीज़ों में बन के रेडी हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मेरी कढ़ाई जो है लगभग गर्म हो चुकी है। अब इसी के अंदर मैं थोड़े से सरसों का तेल डालूंगी। यहाँ पे ये जो रेसिपी है टॉक, जिसे बोलते हैं चटनी टाइप, तो ये बिल्कुल सरसों के तेल से ही बनता है, जिससे कि इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो देखिए, तेल मेरी गर्म हो चुकी है। अब इसी के अंदर मैं राई को डाल दूंगी और इसको मैं ढक दूंगी, ताकि ये जो राई है बिल्कुल चटकते हैं और बाहर हाथ में भी लग जाते हैं तो जल जाता है हाथ पर, इसीलिए इसको मैं थोड़ी देर ऐसे ढक दूंगी। और जैसे ही इसका चटकना बंद हो जाएगा तो इसको हम ढककर निकाल लेंगे। आप ज़रूरी नहीं है कि आप ढक के पकाएंगे, मैंने तो इसलिए ढका है क्योंकि भैया मुझे तो नहीं जलना है, इसीलिए। आप चाहे तो ऐसे भी करके नॉर्मल ऐसे ही बना सकते हैं। तो देखिए, इसके अंदर से अभी दिख रहा है ये लगभग चटकना इसका बंद हो चुका है। अब इसको मैं खोल लूँगी। तो देखिए फ्रेंड, ये बिल्कुल चटक चुका है। अब इसी के अंदर हमें आम को डाल देना है। और आम को डालते ही हमें जो तेल है और राई है उसके साथ मिला लेना है। और इसी के अंदर हमें हल्दी और नमक को भी डाल देना है। और हल्दी और नमक को डालने के बाद आम को अच्छे से थोड़ी देर ऐसे ही हमें कढ़ाई पे फ्राई करना है। यहाँ पे गैस की फ्लेम को आप मीडियम टू लो रखिए, हाई मत रखिए, नहीं तो जल जाएगा मसाले। तो देखिए, ये मिल चुका है ना, थोड़ी देर जो हमारा हल्दी और नमक और राई है सब आम के साथ हमारा मिल चुका है। यहाँ पे मैं गैस के फ्लेम को लो करके इसको थोड़ी देर ढक दूंगी ताकि आम हमारा सॉफ्ट हो जाए। एक मिनट होने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी। तो देखिए, आम थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसी के अंदर हम पानी देंगे, जितना पानी हमें चाहिए। ये थोड़ा पतला पतला बिल्कुल रनी वाला होता है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करेंगे और फिर इसको ढक देंगे पकने के लिए। तो फ्रेंड, आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब और शेयर लाइक करना मत भूलिएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है, इसको अब मैं ढक दूंगी कम से कम 5 मिनट के लिए, ताकि इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए और हमारी जो टॉक है, चटनी है, बनके रेडी हो जाए। तो देखिए, ये बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। आम देखिए बिल्कुल गल चुकी है ना हमारी, बिल्कुल गल चुकी है। तो उबाल आने के बाद ही मैंने इसको खोला है, ताकि बार बार हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पानी पानी सा है, इसलिए मैंने इस पे को डाला है। तो हमारी जो आम की चटनी है, मतलब आमे टॉक, ये बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसको गरम गरम राइस के साथ और या फिर कटोरी में सूप के जैसा भी खा सकते हो, पी सकते हो, इसको अच्छा लगेगा। तो देखिए, मैंने इसको सर्व कर लिया है। तो देखिए, आप लोग भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। आप घर में एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ये आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। जिनको खट्टा खाना पसंद है वो इनको भी बहुत अच्छी लगेगी, कि अगर जिनको खट्टा नहीं पसंद है तो इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।